व्हाट्सअप गेमर्स, मैं हूं धर्मिंद संगड़े। आज सभी का स्वागत करता हूं मेरे एक और नए ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर। गाइस, टाइटल देख के आपका पता चल गया, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हाउ कैन यू इंस्टॉल दुबई। यस, दुबई को GTA 5 के अंदर आप कैसे इंस्टॉल करते हैं। देखो, दुबई काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ये 2.0 वाला वर्जन डाउनलोड करना है, 376 MB का। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, आपको ये वाला वर्जन डाउनलोड करना है यहाँ से। और यहाँ पे मेरा डाउनलोड यहाँ पे बिगन हो चुका है, ये देखो मैंने ऑलरेडी कर लिया है इसको डाउनलोड, ठीक है। तो 300 MB मैंने डाउनलोड कर लिया है। ऑल्सो आपको दूसरी कौन सी फाइल चाहिए जो कि चाहिए आपको, नो बाउंड्री लिमिट्स, तो इसको भी हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लें। आपका जो करंट वर्जन है इसको ही डाउनलोड करना है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसको भी ऑलरेडी डाउनलोड शायद नहीं किया, मैंने इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ मैंने किया या नहीं किया। ओके, मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और दूसरी जो लास्ट रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए मैप बिल्डर, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा गैलेक्सी एक्स स्टूडियोज, ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर हमको जाना है। एंड देन मैप बिल्डर यहाँ पे एंटर करना है, फिर आपको थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ पे डाउनलोड पेज देखा, उसके ऊपर आपको एंटर करना है। एंड देन आपको यहाँ पे डिस्कवरी दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो डिस्कवरी दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आपको मीडिया फायर का ये OIV डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ से 185 MB का मैप बिल्डर है, तो उसको यहाँ से हम लोग डाउनलोड, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, आप देख सकते हो साइज़ 185 MB की साइज़ है, और ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। सो दुबई मैप को चलाने के लिए आपको कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा, यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो गेम का वर्जन है वो 2545। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वो क्या है, दैट अगर आपका ये वाला गेम का वर्जन है लेटेस्ट वर्जन, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही कोई भी आप एड ऑन मैप इंस्टॉल करते हो, यहाँ पे एड ऑन मैप का यहाँ पे रास्ता है, ठीक है। आप कोई घर जैसे इंस्टॉल करते हो, घर के एंटर होने के लिए यहाँ पे एक रास्ता है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग अंदर घुसते हो, आपका प्लेयर जो है वो डायरेक्टली नीचे गिर जाता है, कोलिजन नहीं होता। तो उसका मैं आज सोल्यूशन लाया, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम मैंने फेस किया। मेरे को लग रहा था कि मैप बिल्डर का इशू था, तो ये मैप बिल्डर का इशू नहीं, मेरे को लग रहा था ऑब्जेक्ट लिस्ट का इशू था, ऑब्जेक्ट लिस्ट का इशू नहीं, तो मैंने इशू का सोल्यूशन ढूंढ लिया है आज। तो सोल्यूशन क्या है, मैं आपको इंस्टॉलेशन करना है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा दुबई में आपको इंस्टॉल करने के लिए, ओपन IV चाहिए होगा, स्क्रिप्टोफाई, कम्युनिटी स्क्रिप्टोफाई और ये मॉस फोल्डर। ये तीन जो मैंने इंस्टॉल कैसे किया, इसका मैंने कवर अप कर लिया है मेरे पिछले वीडियो में, मैंने इन तीनों का कवर अप कर लिया है। मैप एडिटर का जो मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। मैप बिल्डर में लेटेस्ट वर्जन आज मैं आपको इंस्टॉल करना सिखा रहा हूँ। दुबई मोड और ये नो बाउंड्री लिमिट, ये दोनों मैं आज आपको बता दूंगा, ठीक है। सो हमने सारी फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड कर ली, हमें इसकी ज़रूरत है नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू ओपन हमारा यहाँ पे, जहाँ पे मैंने डाउनलोड्स की है सारी फाइल, वो मैं ओपन करूँगा। और इस बाजू मैं अपना GTA 5 का डायरेक्टरी ओपन करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये मेरा GTA 5 EXE, यहाँ पे मैं अपना गेम वर्जन दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखो 1.0.2545, ठीक है। तो जो बोल रहे थे, मेरे को काफ़ी लोगों ने कमेंट किया दैट जैसे ही वो लोग दुबई के अंदर एंटर होते हैं, उन्होंने दुबई मॉड इंस्टॉल ट्राई किया, जैसे ही वो लोग एंटर होते हैं तो उनका कैरेक्टर डायरेक्टली पानी में गिर जाता है, या फिर रोड के ऊपर चलता ही नहीं, फॉर इन शॉर्ट। तभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही आपने मैप एडिटर वो सब कुछ इंस्टॉल कर लिया होगा, आई गेस आपने अभी तक मॉड्स फोल्डर क्रिएट कर लिया होगा, मैप एडिटर इंस्टॉल कर लिया होगा, फिर जो भी फाइल्स है वो सारी फाइल्स आपने इंस्टॉल कर ली होगी। तो नाउ वी आर गोइंग टू दुबई इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो नो बाउंड्री लिमिट हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। इसमें आपको क्या करेंगे, नो बाउंड्री लिमिट और ये जो ASI और INI फाइल है, दोनों का आप GTA 5 की डायरेक्टरी में ऐसे ही डाल दो। मैंने ऑलरेडी कर लिया था, मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो नो बाउंड्री ASI, नो बाउंड्री INI, दोनों मेरी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारा डायरेक्टरी का काम यहाँ पे हो चुका है। तो हमें ये वाली डायरेक्टरी क्लोज करने के बाद हमें इसको ओपन करना है, जहाँ पे मैंने सारी फाइल्स डाउनलोड की है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। OpenIV को हम लोग ओपन करेंगे। ये सॉल्यूशन मेरे को ढूंढने के लिए 1 हफ्ता लग गया, यस 1 वीक। इसके लिए मैंने मेरी GTA 5 भी अनइंस्टॉल कर दी थी और फिर से रीइंस्टॉल की, जैसे मैं अपने शॉर्ट्स में बोल रहा था ना कि मैंने GTA 5 रीइंस्टॉल कर रहा हूँ फिर से, ये इसी प्रॉब्लम की वजह से। क्योंकि अभी रॉकस्टार ने क्या किया है पता नहीं, कुछ अलग झोल कर दिया है कि जैसे ही लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करते हो तो एड ऑन मैप्स नहीं चलते, ठीक है। तो हम यहाँ पे GTA 5 की डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहले हमको मैप बिल्डर को इंस्टॉल करने के लिए आता है, आप यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करके आप GTA 5 की डायरेक्टरी में यहाँ पे ला सकते हो। यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल ओपन हो सकता है। अगर आपका ऐसे नहीं होता तो आपको क्या करना है,
ओपन आई में यहाँ पे हम लोग हैं, तो आपको यहाँ पे फेवरेट्स दिख रहा होगा। इसके नीचे आपको ये जो तीन लाइंस दिख रही होगी ना, ये तीन लाइन, इसका आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओ आई वी फाइल को ओपन कर देना है। तो यहाँ पे देखो पैकेज इंस्टॉल ओपन है। अभी इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ये है मेरा मैप बिल्डर 1.07, इंस्टॉल करना है। मॉड्स फोल्डर सिलेक्ट करके यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कर दिया इसलिए मैं नहीं करूँगा। नाउ अगर आपका मैप बिल्डर इंस्टॉल कर, यहाँ पे कुछ क्लोज वाला आएगा तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। नाउ इट्स टाइम फॉर दुबई, ठीक है। तो हम दुबई का हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मॉड्स फोल्डर में जाएंगे, अपडेट x64 DLC पैक्स, और हम ये जो दुबई वाला जो फोल्डर है इसको सिंपली हम लोग DLC पैक्स के अंदर डाल देंगे। इंस्टॉलेशन इज द सेम, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग जैसे ही यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है दुबई, अब हमको ये ट्रैफिक पाथ को इंस्टॉल करना है। तो ट्रैफिक पाथ को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग फिर से मॉड्स में जाएंगे, अपडेट, फिर आपको अपडेट RPF ओपन करना है। इसके अंदर आपको x64, फिर लेवल्स, फिर GTA 5, और यहाँ पे path.rpf इसको ओपन करना है। और ये जो नोट्स की फाइल है, इन लोगों को क्लिक एंड ड्रैग करके हम यहाँ पाथ्स के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा नोट्स भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, जैसे कि 395 और 393, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा 393 एंड 395, ये देखो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। बट अभी हमारा वर्क ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपका गेम लेटेस्ट वर्जन है GTA 5 का, और जैसे ही आप दुबई के अंदर एंटर होते हैं आप गिर जाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैं लाया हूँ। मॉड्स फोल्डर ओपन करना है, अपडेट ओपन करना है, x64 DLC पैक्स, और दुबई का ये जो फोल्डर है इसको ओपन करना है। इसके अंदर DLC RPF में जाना है, और ये जो कंटेंट डॉट XML फाइल दिख रही है इसको आपको राइट क्लिक करके एडिट करना है। अब आपको क्या करना है, XML यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हो पाम आइलैंड मेटाडेटा RPF, पाम आइलैंड यहाँ पे देख रहे हो वे फॉल्स है, तो आपको ये डिजेबल्ड वैल्यू को TRUE2 करना है, और ये रेजिस्टेंस वैल्यू को भी आपको टू करना है। सेम फाइल आपको यहाँ पे करना है, ठीक है, इसको भी हमको टू करना है, इसको भी हमको टू करना है। अब यहाँ पे थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे चेंज सेट नेम दिखा CCS पाम आइलैंड, तो पाम आइलैंड आपको हटा देना है, उसके बदले आपको लिख देना है दुबई, ठीक है। अब ये फाइल्स टू एनेबल आपको दिख रहा, तो आपको फाइल्स टू एनेबल पे यहाँ पे आपको इसको छोड़ देना है। यहाँ पे जो डिवाइड की लाइन दिख रही है इसका आपको हटा देना है, और यहाँ पे एक बार एंटर दे देना है। अब यहाँ पे मेन लाइंस की मैंने यहाँ पे एक TXT फाइल बनाई हुई है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस लाइंस को कॉपी कर देना है, कंट्रोल सी। मैं ये जो लाइंस है इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा आपको ये कैसे करना है। आपको फाइल्स टू एनेबल करके यहाँ पे आपको एंटर प्रेस किया, आपको यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे आइटम DLC दुबई ये सब कुछ आ गया, और यहाँ पे ये फाइल यहाँ पे कॉपी हो गई, ठीक है। इतना इंस्ट्रक्शन था, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या किया XML फाइल के अंदर। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आए DLC दुबई, ये जो मेटाडेटा फाइल है यहाँ पे आए, हमें यहाँ पे डिजेबल वैल्यू को ट्रू किया, रेजिस्टेंस वैल्यू को ट्रू किया। सेम स्टेप हमने यहाँ से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे किया, हमने इसको ट्रू किया, इसको ट्रू किया, ठीक है। फिर हम नीचे आए, चेंज सेट नेम में यहाँ पे पाम आइलैंड लिखा था, पर हमने इसको चेंज किया दुबई के नाम से। फिर हमने फाइल्स टू एनेबल में से यहाँ पे एक डिवाइड की लाइन थी वो इसको हटाया हमने, और इसके बदले हमने यहाँ पे नीचे ये जो मैंने नोटपैड में मैं ये जो लाइंस दिखी थी वो मैंने ऐड कर दी, ठीक है, ओके। फिर हमने यहाँ पे ये जो लाइंस है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके आप कर सकते हो, इसलिए आपको कोई फाइल ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से मैंने ये जो काम किया यहाँ पे पूरा अपना फाइल्स टू एनेबल में यहाँ पे एक और यहाँ पे डिवाइड ऐड कर दिया, और ये हमारा यहाँ पे कर दूंगा हम लोग सेव, ठीक है। अब हमारी जो लेटेस्ट वर्जन की GTA 5 है इसके अंदर हमारा दुबई 100% चलेगा, उसमें प्रूफ दिखाता हूँ। मैं अपना गेम लॉन्च करके हम लोग फटाफट गेम के अंदर चलते हैं। सो ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए मेरे को लग गए 1 वीक, इसलिए दुबई का वीडियो आने में इतना टाइम लग गया। यस, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में यहाँ से पहले लॉन्च कर देता हूँ गेम, मैं कोई कट नहीं रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे कोई कट नहीं, जहाँ पर गेम जब तक लोड नहीं हो जाता तब तक मैं कोई कट नहीं रखने वाला, क्योंकि पता है मैं पहले कट रख मिलते हैं गेम के अंदर से कट करते, मैं इस वीडियो में कोई कट नहीं रखने वाला, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो ये रॉकस्टार का ये जो वर्जन है, ये मेरा ओरिजिनल GTA है, मेरा पायरेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अपनी सारी लाइंस ऐड कर दी, जो एडिट करनी थी वो सारी लाइंस मैंने एडिट कर दी, और अभी हमारा यहाँ पे गेम लोड होगा।
वी आर जस्ट गोइंग टू गो इन द गेम, मैं कट नहीं करने वाला, ठीक है? ये अपने तरीके से जितना टाइम लेना है वो अपने तरीके से लेगा गेम को लोड करने के लिए, ठीक है? चल लोड हो जाना, कितनी बेइज्जती करवाया गया, इतना ज़्यादा टाइम मत ले। ओके चलो, हमारा गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अभी हमें सिंपली स्टोरी मोड के लिए यहाँ पे देखो, मेरा रॉकस्टार का यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आएगा, आप देखना इस साइड ऊपर देखना, मेरा नाम आएगा, क्योंकि ये मेरी जो ये ओरिजिनल गेम है ना, इसलिए मेरा नाम आएगा इसके अंदर। अभी आएगा ये, देखो आ गया ना, अभी देखो ऊपर सोशल क्लब डबमिन 27 है साइंड, दिस इज माई ओरिजिनल GTA 5, ठीक है? इसको मैंने मॉड किया है। चल चल हो जा, कितनी देर लगाएगा यार। चलो यहाँ पे माइकल आ चुका है, मैं यहाँ पे घुसता हूँ स्टोरी मोड के अंदर, ठीक है? ऑल्सो मेरे को एक क्वेश्चन है, क्या आपने GTA ऑनलाइन खेला है कभी? अगर खेला हो तो कमेंट में बता दिए, नहीं खेला हो तो फिर भी आपका मॉड नहीं चल रहा तो फिर भी आप कमेंट में सब कुछ आप कमेंट में बता सकते हो यार। कमेंट कीजिए, इंटरेक्शन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए यार, क्या कर रहे हो यार। ओके चल लोड हो जा, हमारे पास टाइम नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। वैसे फिर इस वीडियो को फिर से एडिट भी करना होगा थोड़ा सा, यू नो जहाँ जहाँ पे मेरे एडिट करना होगा, ठीक है? ये मेरा अभी बाकी है, ये फ्रैंकलिन वाला जो अभी नया आया है ना जीटी ऑनलाइन के अंदर, ये मेरा खेलना बाकी है अभी। मैंने सिर्फ उसका पहला मिशन ही कंप्लीट किया है, बाकी इतना नहीं किया। मैं GTA 5 के अंदर, मैं GTA ऑनलाइन के अंदर ना मैं वही करता रहता हूँ अपना, जो कुछ कुछ गाड़ियाँ चोरी करने के मिशन होते हैं, या तो कई बार जो यहाँ पे देख सकते हो मेरे सामने, यहाँ पे दुबई, हम लोग यहाँ पे GTA 5 के अंदर आ चुके हैं और मेरे सामने यहाँ पे दुबई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर स्पॉन करूँगा, व्हीकल स्पॉनर से मैं अपना हेलीकॉप्टर निकालूंगा, एक छोटा वाला हेलीकॉप्टर लेता हूँ, तो यू नो मेरे को आसान है, ठीक है? हम लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारी दुबई यहाँ पे आ चुके हैं। आपको क्लोजर लुक देखे, आपको पूरा यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे आपका प्लेयर, जैसे बोल रहे थे कि आपका प्लेयर नीचे गिर रहा है, तो आप इस फाइल में 100% नहीं गिरेगा, ठीक है? ये जो आप सामने देख रहे हो ये बड़ी वाली बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, यस इट्स द बुर्ज खलीफा, ठीक है? हम यहाँ से इसको यहाँ पे लैंड करवा देते हैं और एक गाड़ी लेके चलते हैं तो बेहतर रहेगा, ठीक है? पूरा मैं आपको दुबई दिखाऊंगा। नाउ वी आर गोइंग टू लैंड, ठीक है यार? हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली लैंड तो हो चुके हैं, पर हेलीकॉप्टर कुछ अफेक्ट ना करे। यहाँ से हम लोग एक व्हीकल भी स्पॉन कर लेते हैं, आर आर, जो कल हमने रोल्स रॉयस ऐड की थी, हम आज वही रोल्स रॉयस लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो जैसे कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग दुबई के अंदर आ चुके हैं, मेरे सामने यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ भी जा रही है। आई गेस मेरे को शायद ऐसा लगा, अगर आपके पास GTA का ओरिजिनल वर्जन है तो ही आपकी ये सारी गाड़ियाँ चलेगी, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने अभी तक इस दुबई मॉड को पायरेटेड वर्जन में नहीं डाला, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल वर्जन है तो मैं पायरेटेड वर्जन का करूँगा ही क्या, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दुबई है, हम लोग बुर्ज खलीफा पे जाते हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ से, ओके ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता नहीं है, मैंने थोड़ा सा रास्ते में गड़बड़ी कर दी। ओके ये रास्ता, ओके ये भी नहीं है, बुर्ज खलीफा के पास जाना है यार, मेरे को जाने दो ना यार। क्या गाइस यहाँ पे यॉट देख रहे हैं हम लोग, यॉट। ओके यहाँ से भी नहीं जा सकते, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि, ओके वो रास्ता मेरे को लग रहा है शायद से, यस स्ट्रेट वाला रास्ता मेरे को लग रहा है। तो बताओ, एक काम करता हूँ, मैं बाइक ले लेता हूँ यार, बहुत ही स्लो जा रही है ये गाड़ी। बाइक कौन सी ले, शिनोबी, अभी जो नई आई ना, ये नई बाइक बहुत ही बढ़िया है। अभी फ्रैंकलिन वाइट DLC में ये नई गाड़ी आई है, अभी GTA 5 के अंदर उन्होंने ऐड किया है, ठीक है? जैसे कि देख रहे हो, मैं गाइस पूरा दुबई मैप के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं घूम रहा हूँ। आई नो थोड़े बहुत टेक्सचर लॉसेस है इस मैप के अंदर, बट क्या ही करें, जो क्रिएटर बनाया है उसका ही होगा टेक्सचर लॉस, मेरा तो नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो मैं ये, पर पता नहीं ट्रैफिक वहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा, आई डोंट नो, होगा आई गेस क्योंकि ट्रैफिक वहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे नहीं चल रहा। बुर्ज खलीफा, ओके यही रास्ता होगा शायद से बुर्ज खलीफा का, यस आई गेस सो, हो जाएगा, ठीक है? नहीं ये ऐसे ही रास्ते में उन्होंने लगाए हुए है, बुर्ज खलीफा बहुत ही बड़ा लग रहा है, ठीक है? लेट्स गो दैट साइड, हम लोग ये वाली होटल है ना यहाँ पे, आपको पता ही होगा ये होटल कौन सी है, मेरे को इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है दुबई का, ऐसा दिखता पाम जमेरिया के पता नहीं ऐसा कुछ नाम होगा। सो
जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ये जो सॉल्यूशन दिया इससे हमारा दुबई परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर आपका गेम का वर्जन इस वर्जन से कम है तो आपका दुबई तो वैसे चलेगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है तो आपको ये वाला स्टेप करना ही पड़ेगा, जो मैंने अभी कंटेंट डॉट एक्सएमएल में जब मैंने किया ना, आपको ये वाला स्टेप करना ही पड़ेगा अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है गेम का, तो आपको ये वाला स्टेप। ओके, यहाँ पे भी हमको गाड़ियाँ दिख रही है। ओके, ये वाले पार्ट में भी हमको थोड़ी गाड़ियाँ, ओके यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है, मेरा यही है। अगर आपको दुबई को अपने वीडियो में यूज़ करना है तो आप शायद यहाँ से गाड़ियाँ हमारी चल रही है, बट इसका इंटीरियर्स नहीं होगा शायद से। हाँ, इसका इंटीरियर्स तो नहीं होगा यहाँ पे, आपको कुछ जुगाड़ कर लेना पड़ेगा। आपको इंटीरियर चाहिए तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर चलूँ कहाँ से, ठीक है। एक और लास्ट वाली बिल्डिंग हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे थोड़ा तो स्टेडियम्स और वो सब भी तो काम करता है, हेलीकॉप्टर ही ले तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारा मैप तो हमने कन्फर्म कर लिया, हमारा कन्फर्म मैप हमारा चल रहा है, ठीक है। हेलीकॉप्टर उठा लेते हैं आपको मैं, थोड़ा सा स्टेडियम्स और एयरपोर्ट भी है उस बाजू, एयरपोर्ट है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर मैं एयरपोर्ट ये सब कुछ दिखाने गया तो। तो आपको थोड़ा सा ये छोटा सा यहाँ पे एक स्टेडियम है आपके सामने, तो मैं स्टेडियम दिखा देता हूँ। तो ये तो आपका कंफर्म हो ही गया कि आपका दुबई में बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। अगर नहीं भी चल रहा है तो आप फिर से मेरे को कमेंट कर सकते हो, आपको जितना यहाँ पे देखो स्टेडियम, फुटबॉल खेल सकते हो, बढ़िया ना, ठीक है। ये थोड़ा सा ताजमहल जैसा दिख रहा है, पता नहीं ये क्या है, बट मैंने ताजमहल बोला यार, ऑफेंड मत हो जाना। बट ये देखो आपका दुबई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे लगता है ये जो सामने आपको दिख रहा है ये अपनी रेस सर्किट है आई गेस। हाँ, यस यस, यहाँ पे आप रेस कर सकते हो, ये रेस सर्किट है यहाँ पे। ओके, बढ़िया 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 बढ़िया। और जो सामने ये जो दिख रहे हैं ना वहाँ पे सामने, ये फुल स्ट्रेट लाइन पे, तो वो है हमारा एयरपोर्ट, ठीक है। तो एयरपोर्ट हम लोग यहाँ पे जाते हैं, एयरपोर्ट एयरपोर्ट यहाँ पे। ओके, तो हमारा दुबई वक्त जैसे आपने देख लिया, दुबई मैप हमारा सक्सेसफुली चल रहा है, हमारे यहाँ पे कोई इशू नहीं आया, एवरीथिंग इज़ वर्किंग कम्प्लीटली फाइन। अगर आपका कोई इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, आपकी मर्ज़ी। आपका जहाँ पे मेरे को कांटेक्ट करना है आप कांटेक्ट कर सकते, सारी कांटेक्ट की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी आपको। सो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मिल गया, तो यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करते हैं, इसी के साथ मिलते हैं। ओए ओए ओए, नहीं, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।